अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें। तो आज मैं खीर बना रही हूँ, तो खीर में जो है ये वाला कप जो है ये हाफ कप मैंने चावल लिए हैं, और ये जो है मैं चीनी डाल रही हूँ। और मैंने चावल पहले बॉईल कर लिए थे, फिर वो लीटर दूध जो था वो डाल के वो आहिस्ता आहिस्ता पकता रहा, तकरीबन 1.5 घंटा इसमें जो है लगा पकने में। तो अब मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ, और इसके साथ ही ये जो मैंने नट्स भिगो के रखे हुए थे, बादाम है और पिस्ता है, इनको थोड़ा छोटा करके तो फिर मैं डालती हूँ, फिर डिश आउट करती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये व्यूअर्स देखें, पिस्ता और बादाम जो है मैंने काट लिए, और अब मैं इसमें खीर में डाल रही हूँ, तैयार हो गई है। इसमें 3 इलायचियाँ भी मैंने डाली थी खुशबू के लिए, तो अब मैं डिश आउट करती हूँ, तो आपसे मिलती हूँ। व्यूअर्स मैंने कुछ गार्निश के लिए नट्स बचा लिए थे, तो वो मैं अभी डालती हूँ। व्यूअर्स आज की रेसिपी तैयार है, और ये मैंने खीर बनाई है। तो ये बहुत इसके लिए ना वेट करना पड़ता है ऐसी खीर बनाने के लिए, ये बहुत मज़ेदार बनती है, टाइम देना पड़ता है। तो आप भी इसी तरह से बनाएं। ये मैंने 1.5 घंटा जो है ये पकती रही है, और इसके बाद जो है ये मैंने नट्स वगैरह डाले हैं, इसके अंदर भी डाले हैं, और फिर मैंने इसमें गार्निश की है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह आपका हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज़।